तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 3 फरवरी, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार यहाँ पर रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में मैं स्टार्ट करूंगा, जो की इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी सी मोटिवेशनल भी है। धोनी के बारे में एक नई सीरीज आ रही है अभी अथर्वा, तो इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों से बात करूंगा। बाकी जो पूरा डिस्कशन रहने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो क्या क्या जानने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक आप लोग ये देखेगा, एक ओवरव्यू में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और एडिटोरियल में भी कई सारे एडिटोरियल हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। मेंस के लिए कोटेशन रहेगी जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा जिससे कि आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ में गवर्नर की पावर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और एक काफी इंपोर्टेंट एक चैप्टर आप लोगों का पॉलिटिकल कवर कराऊंगा यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करके चलेगा। नेक्स्ट इंडिया और यूके के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातें करेंगे, कई सारी इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा आप लोगों को जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इंप्लॉयमेंट के बारे में बातें की जा रही है, हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और आप लोगों से यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बातें करने वाला हूँ किसके बारे में, जो इनफॉर्मल और जो फॉर्मल सेक्टर होता है आखिर क्या होता है, और रिसेंटली अभी क्या न्यूज में है, और इसके बारे में अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट इशू चल रहा है यहाँ पर, मैरिटल रेप के बारे में, तो किस पेपर के अंदर आता है और क्या क्या चीजें, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड क्या इशू है और संविधान में कहां पर इसके बारे में क्या क्या मेंशन कर रखा है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट एक इशू बन जाएगा जिसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एमजी नरेगा जो यहाँ पर बजट आने के बाद भी न्यूज में रहा, जीएस पेपर किस पेपर में इंपोर्टेंट है और क्या क्या इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में भी इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। आगे फिर यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर राम टेम्पल के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है हल्का सा नजर डालेंगे। एक पर्टिकुलर यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में वेटलैंड के बारे में, तो बेसिकली बैकग्राउंड है वेटलैंड डे, तो वेटलैंड डे के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो बेसिकली स्टैटिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बताऊंगा क्या है डिलिमिटेशन कमीशन और जम्मू एंड कश्मीर में क्यों रिसेंटली अभी ये न्यूज में है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक नेशनल यहाँ पर देखने को मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज में है। कल काफी बड़ी कंट्रोवर्सी रही कि राहुल गांधी के द्वारा कुछ बातें बोलेगी, हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर फिर भी हल्का सा पता तो होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो संख्या है जजेस की वो अभी भी यहाँ पर कम चल रही है, वैकेंसी को नहीं भरा जा रहा है, ये इशू निकल कर आ रहा है। पीएलए जो आर्मी का जो गालवान में यहाँ पर जो झड़प देखने को मिलती है उसका एक पर्टिकुलर जवान जो है वही यहाँ पर टॉर्च बेयरर बना दिया है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से ये एक अलग संकेत आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेटो और रशिया और यूएसए के बारे में क्या चल रहा है समझेंगे, यूएसए ने क्यों यहाँ पर यूए की हेल्प की ये बातें कुछ जानेंगे। एक्जिम बैंक क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक सूडो को आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों की माइंड को स्टेबिलिटी करने में हेल्प करेगा। आज के एसएलवी कमांडो कौन है, इनका नाम है रोहित मीना, शानदार तरीके से आंसर दिए गए, जानेंगे इसके बारे में। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे मैंने लास्ट वीडियो में उनके आंसर आप लोगों को बताऊंगा, और वीडियो के एंड में आप लोगों को 5 वोकैबुलरी देखने को मिलेगी जिनको शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करने में काफी हेल्प आप लोगों को करेगी। तो कुछ ऐसा डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है, आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक एंजॉय करोगे और जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन होगा डाउट होगा उसको दूर करते हुए आगे बढ़ोगे, पेन और कॉपी लेकर बैठेगा जिससे कि चीजों को अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको आप लोग जरूर देखेगा। और पूरे नोटिफिकेशन में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस बता दो, तो उसके अंदर आप लोगों का प्रीलिम्स मेंस इसी के साथ में जो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है सबका सिलेबस भी आप लोगों को इसी के अंदर मिल जाएगा, वो आप लोग प्रिंट निकालकर अपने पास में रख लेना, काफी इंपोर्टेंट है। यूपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया जाता है उसका सिलेबस आप लोगों के पास में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप लोग अपने अच्छे से लेकर चलेगा। कोई भी दिक्कत अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होगी तो फिर बताएगा, फिर उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू भी दे दूंगा, तो टेंशन मत लेना, बस अच्छे से चीजों को लेकर चलना। रेगुलर 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर आप लोग रियलिटी में स्टैटिक और करंट को अपना पोर्शन बनाकर चलेंगे एग्जाम में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। एक वीडियो आती है यहाँ पर, ये आप लोग की आती है सुबह 6:30 बजे से पहले ही जाती है नॉर्मली आप लोगों को, और एक आती है शाम को जो कि आप लोगों की 8:30 बजे आती है, इसमें पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट डिस्कस करते हैं। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डिटेल में मैंने कई सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये थी कि ये अगर आप लोग ना चाहते हैं कि मोटिवेशन कहां से निकल कर आए, तो यहाँ पर ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप लोग मोटिवेशन ले सकते हैं।
मतलब एक ऐसे फील्ड से निकलकर कहां से, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इंसान कहां पहुंच गया, तो इससे पता चलता है कि कभी भी आप लोगों को अपने आप को कहीं पर भी रोकना नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखी होगी सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी आई थी, हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो मूवी में क्या शानदार तरीके से चीजों को फिल्माया गया, क्या चीजें दिखाई गई, कि धोनी के द्वारा कहां से निकलकर एक जॉब मिल गई थी तो चाहता तो ये उस जॉब में सेटिस्फाई रह सकता था, पर लेकिन जिंदगी में टारगेट कुछ और थे, कुछ और ही करना था, तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को एक सही पैटर्न में लेकर चलना। और जब जब करियर डाउन हुआ तब तब इंसान ने बाउंस बैक किया है, यानी कि जब भी लगे करियर डाउन हो गया, चलो अब क्रिकेट खत्म हो गया, अब क्या, तो अब यहां पर आप लोगों के सामने है एक नई सीरीज, यानी कि अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री की जा रही है खुद की एक कंपनी बनाकर। तो यार इसको कहते हैं जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखना, एक सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना। तो एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। अभी रिसेंटली जब मैंने फर्स्ट लुक देखा था इनका, तो यहां पर ये लग रहा था, मैंने कहा यार बंदा मतलब फिर से फिट हो रहा है, तो यार मतलब कुछ दिनों पहले तक मुझे क्या पता था कि सीरीज के लिए तैयारी किस चल रही है। तो इसको कहते हैं पूरा सही तरीके चीजों को तैयार करना। तो हमेशा जिंदगी में यार अपने एक तरीके से प्लान रखे, कोई भी कंफ्यूजन हो उसको क्लियर करके बाउंस बैक कीजिए जहां पर भी जिंदगी डाउन जाने लगे, हमेशा आगे बढ़ते रहना आप लोगों का नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमेशा आगे लेकर चलिएगा। आज की जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर जो मेंस में आप लोग या फिर एससी में यूज कर सकते हैं अगर एनवायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो ये है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कोटेशन जिसमें बोला गया है यहाँ पर दिस इज ओवर वर्ल्ड, यानी कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं हमारी दुनिया है, ए कॉमन वर्ल्ड यानी कि सबका है, किसी एक का नहीं है, तो एवरीवन शुड फील ए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कल को हम लोग कुछ भी बर्बाद कर रहे हैं ना, हम लोग आज के में एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, एक इंसान नहीं मरेगा सारे के सारे मरेंगे। तो ये बातें बोली गई यहाँ पर बान की मून साहब के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाए, तो ये आप लोग यहाँ पर इसको अपना पार्ट बना सकते हैं। देखिए सारी चीजें साथ में लेकर चलनी है आप लोगों, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करके साइड में हो जाओगे, आंसर राइटिंग रेगुलर आप लोगों को करनी है, इसको बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ये आप लोगों की लाइफ का पार्ट होना चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, तो इसको हमेशा आप लोग सही तरीके से अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चलिए, ताकि एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग लिखिए, अगर प्रीलिम्स ही पास में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए जो जीएस पेपर 1, 2, 3 में से, और एक क्वेश्चन आप लोग ऑप्शनल का लिखिए, कम से कम डेली आधे से पौना घंटा जरूर दिए अपने टाइम टेबल में आंसर राइटिंग को, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के काम आने वाली है, और ये आप लोगों को एग्जाम में बैठकर ही पता चलेगा। तो इसे कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो फिर मेंस देखेंगे और मेंस के बाद में इंटरव्यू, नहीं होने वाली चीजें, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में कौन सा एडिटोरियल डिस्कस है, तो आज जो है एडिटोरियल जो कम है पर लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग नजर डालेंगे, कौन कौन से पहले यहां पर समझ लेते हैं, एक एक कर आप लोग यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो पहला एडिटोरियल यहां पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही माना जाता है कि जो भी उत्तर प्रदेश को जीत कराएगा वो यहां पर एक तरीके से वो सारी चीजों के ऊपर इवन कहते हैं कि दबदबा दबाएगा 2024 में जब इलेक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाएगा जब सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करूंगा, खासकर गवर्नर को ध्यान में रखते हुए। तो जो मैंने अभी बताया डिटेल में इसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो नीचे वाला आर्टिकल है ये कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, तो स्किप कर सकते हैं आप लोग जिस चीज ने भी दवाइयां वगैरह ले लिए और आगे उनको कंटिन्यू रखिए, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यहां पर ये बेसिकली जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में जॉब के बारे में, तो मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा इस तरीके से, ताकि आंसर भी आप लोग लिख सके प्रीलिम्स के साथ साथ में, इस तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो यानी कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई एक साइड का पोर्शन होकर हम लोग साइड में हट जाएंगे, तो डिटेल में यहां पर समझेंगे। ये साइड वाला आर्टिकल ये यहां पर तेलंगाना की पॉलिटिक्स से इग्नोर कर सकते हो, ये यहां पर वैसे तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से आप लोग इग्नोर कर सकते हो, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जो है वुमेन के बारे में। अगर वुमेन एंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो यहां से वो पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। वो क्या है, वुमेन को अगर आप लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में, वुमेन रिजर्वेशन एक बिल लाया गया था लगभग 2008 में, ठीक है, पर लेकिन उसको यहां पर अभी पास नहीं किया गया असेंबली के अंदर में। जब हम लोग बात करते हैं तो 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर में, पर लेकिन अभी पेंडिंग पड़ा है। तो इसी के बीच में अभी उत्तर प्रदेश में यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा एक काफी अच्छा स्टेप उठाया गया कि 40% जो सीट है उस पे यहां पर जो नॉमिनेशन फिल किए जाएंगे उसमें महिलाओं को उतारा जाएगा ग्राउंड में। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है यहां पर बेसिकली जो यहां पर अभी कांग्रेस पार्टी को,
कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। आगे अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर, तो एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप लोग यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो है इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, कहाँ कहाँ पर कितने टीके लग चुके हैं वो सब बातें बताई गई। और इंडिया और जो यहाँ पर यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, एक भी आप लोगों का नहीं छूटता है, कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों का यहाँ पर होता है। तो अगर रेगुलर आप लोग प्रॉपर दे में देखेंगे तो आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, रिसेंटली अभी न्यूज में भी था। बात की जा रही है यहाँ पर रिकमेंडेशन जो दी गई के संथानम कमेटी के द्वारा दी गई, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया क्रिएट किया गया था 1964 में, सही आंसर क्या है यहाँ पर, स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया। सही आंसर क्या है, ओनली वन सही है, ओनली टू सही है, बोथ सही है या फिर नन ऑफ द अबोव सही है। आंसर देने से पहले आंसर को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग बेसिकली आंसर भी देखिएगा आगे चलकर। ठीक है, ये नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसलिए आंसर बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर सकें। और जो भी शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है अगर उसको फॉलो कर रहा है तो ये कभी भी आप लोग नहीं छोड़ोगे, क्यों, क्योंकि पूरा टॉपिक वहां पर कवर कराता हूं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर मैंने बात की थी आप लोगों से कई तरीके के वीजा के बारे में, कि H1B वीजा, H4 वीजा, L1 वीजा, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्किल्ड वर्क फोर्स वर्कर के बारे में होता है, H4 वीजा सीजनल वर्कर, और यहाँ पर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, सही मैच किया गया इसको। A में बोला गया 1 and 2, B बोला गया 2 and 3, C बोला गया 1 and 3, D बोला गया ऑल ऑफ द अबोव, सही आंसर क्या है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोगों को अंडमान निकोबार के बारे में जब बात आती है तो साउथ टू नॉर्थ आप लोगों को इनको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ननको भी, ठीक है, तो यहाँ पर ननकारी हो गया और इसी के साथ में मिडिल अंडमान हो गया। तो सही आंसर लगाना है जो भी आप लोगों का सही हो गया, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ लगाना है, यानी कि नीचे से ऊपर को ऐसे चलना है आप लोगों को। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए डिटेल में मैंने टॉपिक आप लोगों का कवर कराया था। ठीक है, तो जहां भी कंफ्यूजन होगा उसको पूछ लेना, चीजें ढंग से क्लियर करके चलो ताकि माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को न रहे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो बात की जा रही है गवर्नर के बारे में, आखिर ये इश्यू क्यों निकल के आया, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कहां से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वहां पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नर की पावर्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप लोगों का स्टैटिक और करंट मैं साथ में लेकर चलूंगा, जिससे कि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। पहले हम लोग समझते हैं आखिर बात क्या की जा रही है, कहां से निकलकर बात आ रही है, तो बात निकलकर आ रही है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी जी, और वेस्ट बंगाल हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है 3 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। इधर से आप लोग नेपाल देख सकते हैं, इधर से आप लोग भूटान देख सकते हैं, और यहां से आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली ये टच करता हुआ नजर आएगा बांग्लादेश को, तो इसलिए यहां पर आप लोग को इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य टच करते हैं फिर भूटान के साथ में, तो नॉर्मली लोग जो है वेस्ट बंगाल को छोड़ देते हैं, तो वेस्ट बंगाल को नहीं छोड़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, कंफ्यूजन में भी कई बार आप लोग आ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहां पर क्या मुद्दा है, यहां पर ये है, यहां पर वेस्ट बंगाल की गवर्नर और वेस्ट बंगाल के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में बनती नहीं है। तो जो यहां पर गवर्नर होते हैं वो अपॉइंटिंग हेड होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट की जाती है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां पर वो इलेक्टेड हेड होते हैं। तो नॉर्मली हमारा संविधान ये बोलता है कि ज्यादा पावर जो मिलनी चाहिए वो इलेक्टेड को मिलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे होते हैं। पर लेकिन रिसेंटली आप लोगों को कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जो मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, महाराष्ट्र के बीच में भी यहां पर देखने को मिला, तमिलनाडु के बीच में भी, और यहां पर वेस्ट बंगाल के बीच में भी। होता क्या है, यहां पर जब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट रहती है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट रहती है तो ऐसी रस्साकसी अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये अभी की बात नहीं की जा रही, यहां पर पुराने टाइम पर भी आप लोगों को ये सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, चाहे यहां पर बीजेपी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, तो ऐसे इश्यूज आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर सेंटर में कांग्रेस है तो तब ऐसी हरकतें अलग होती है, और बीजेपी है तो अलग हरकतें होती है। आंसर राइटिंग में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, बस समझाने के लिए नाम लेता हूं इनको ताकि आप लोग चीजों को ढंग से समझ सके। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पर हुआ क्या, अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा जब गणतंत्र दिवस था वहां पर भी रस्साकसी चल रही थी। एक तो वेस्ट बंगाल का जो टेबलू था उसको, यानी कि जो झांकी थी वो अलाउ नहीं की गई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी कैपिटल के अंदर जाकर उसको दिखा दिया। ठीक है, तो ये मुद्दा देखने को मिला था। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह था कि गवर्नर को रिसीव करने नहीं गई थी चीफ मिनिस्टर, आप लोगों ने देखा उस टाइम पर, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, कि किस तरीके से इग्नोर किया गया गवर्नर को, तो कई सारे ऐसे इश्यू देखने को मिलते हैं, तो ये मुद्दे बन रहे हैं काफी ज्यादा। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। जो झांकियां होती हैं हमारे देश में जब गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाती है, तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री जो होती है इन सब चीजों को मैनेज करती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर
वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी अभी यहाँ पर, और जगदीश जो दिनकर है, उनके बीच में रस्साकसी देखने को मिली। और रस्साकसी भी बिल्कुल ऐसा है जैसे बच्चे नहीं लड़ते हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा कि क्या इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा था। बात की जाए तो यहाँ पर काफी लंबे समय से बातें चल रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड और जो अपॉइंटेड जो पर्सन है उनके बीच में ये रस्साकसी देखने को मिल जाती है। अभी ऐसे ही रस्साकसी आप लोगों को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो यहाँ पर अपॉइंटेड हेड है उनके बीच में ऐसी कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। अभी यहाँ पर क्या किया गया ममता बनर्जी जी के द्वारा, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर ममता बनर्जी जी के द्वारा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया जो गवर्नर थे उनको, कहाँ पर, ट्विटर के ऊपर। यानी कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कई बार आप लोग ब्लॉक कर देते हैं ना, तो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर दोनों के द्वारा मैसेज पर बात हुई, चलो चीजों को नॉर्मल करते हैं। और जो भी बातें हुई यहाँ पर गवर्नर साहब के द्वारा, वो फिर से यहाँ पर ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दी। उन्हें पर्सनली हम लोग कुछ बातें करने लगे कमेंट में, और फिर से गवर्नर साहब ने उसको जाकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पर फिर से उसको पब्लिक कर दिया। तो उससे यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो फिर से गुस्सा हो गई और ज्यादा, कि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हरकत कर रखी है। और इनके द्वारा कमेंट कर दिया गया कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को एक बाउंडेड लेवल की तरीके से रखा जा रहा है, भाई साहब हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग ऐसा नहीं कि बाउंडेड लेवल है कि हमसे फोर्सफुली कोई कुछ भी कराएगा। क्यों ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि गवर्नर साहब जो है कभी भी समन कर लेते हैं यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो कि काफी हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट के अंदर में, और इसी के साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी, यानी कभी भी इनको यहाँ पर समन कर लेते हैं, और अगर कोई मना करता है तो ट्विटर पर टैग कर देते हैं तुरंत यहाँ पर ममता बनर्जी जी को। यानी कि वो नहीं है एक तरीके से बच्चे बोलते हैं कि मेरी पेंसिल छीन ली, मेरी रबड़ छीन ली, तो वो वाली रस्साकसी दोनों के बीच में आप लोगों को पब्लिकली देखने को मिलेगी। एक तरह की सामने नहीं आ रहा है, तो ये इश्यू यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो कई बार देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर इसी के चलते जो असेंबली के जो स्पीकर है यहाँ पर, जिनका नाम था बिमन बनर्जी, ठीक है, तो रिसेंटली वहां पर भी काफी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले, उसको लेकर भी यहाँ पर इशू सामने निकल कर आए। जब यहाँ पर पास करने की बात आई, ये बेसिकली हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021, तो उसको डिले किया गया, ऐसा माना जा रहा है गवर्नर के द्वारा, जो कि यहाँ पर जनता को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता। इसके चलते यहाँ पर पोल, जो कि लोकल लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं लोकल के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें भी यहाँ पर इशू देखने को मिले। तो इसके चलते कई सारी वेलफेयर जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पाती है जनता तक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली माना यह जा रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम पर अपोजिशन में कौन बैठी है यहाँ पर, प्रेजेंट जो है बीजेपी, तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नर का, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। फिर से बोलता हूं, एग्जाम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना है। आर्टिकल जो रहते हैं आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं रहते हैं, ठीक है, आर्टिकल रहते हैं आम जनता के पॉइंट ऑफ से। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, बेसिकली जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। सेम प्रॉब्लम आप लोगों को महाराष्ट्र और गवर्नर के बीच में, महाराष्ट्र के गवर्नर के में देखने को मिलेगी, जिनका नाम है भगत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा भी यहाँ पर क्या किया गया, ऐसे ही कई सारे इशू निकल कर आए यहाँ पर। अभी कई सारी जब बातें निकल कर आई, खासकर रिकमेंडेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर नॉमिनेट करने की बात की गई 12 जो मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, तो वो मैटर जो यहाँ पर हालांकि आगे चलकर हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये इश्यू यहाँ पर चल रहे हैं कि गवर्नर जो है वो इलेक्टेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। सेम फंडा यहाँ पर देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर में, तो यहाँ पर RN रवि जो है उनके द्वारा भी कुछ यहाँ पर ऐसे ही काम किया गया। जब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री ये कोर्स भी लाया गया, यहाँ पर क्या काम था बेसिकली, यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये था कि जो नीट की परीक्षा कराई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कोशिश की जा रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से चलाए। तो गवर्नर साहब के द्वारा यहाँ पर जो है बेसिकली प्रेसिडेंट की एसेंट्स के लिए उसको अप्रूव कर दिया गया। समझेंगे आखिर कैसे कैसे प्रेसिडेंट को कोई गवर्नर जो है वो बिल भेज सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर नीट के बारे में बात की जा रही है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर स्टेट और जो गवर्नर है उसके बीच में रस्साकसी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो स्टेट की पावर को रोकने की कोशिश की जाती है, फिर बिल को डिले करने की कोशिश की जाती है गवर्नर के द्वारा। तो राइटर ये बोले कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरीके से सिस्टम को ढंग से लेकर चलना चाहिए, ये इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ना गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट का ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरी कहानी बता दी आप लोगों की, कहानी क्या चल रही है। अब इस कहानी के पीछे जो किरदार है वो होते हैं यहाँ पर गवर्नर, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं गवर्नर की रोल के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहाँ पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटी का रिविजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पॉलिटी का रिविजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोगों की पड़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना, ठीक है।
गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे, पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक जो जेएनके हुआ करता था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया है जेएनके जो है वहां पर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनको आप लोग एलजी बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर एलजी वो आप लोग जरूर बताना, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं तो यहां पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है। तो ये पोस्ट पैरेलल में है तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कि जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉई नहीं है, कि आप लोग यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है तो उसके इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर के, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर गवर्नर के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोगों कैसा लगेगा, इसके बारे में आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कई जगह है जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहां पर अपॉइंटमेंट कहते हैं यहां पर जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहां पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहां पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहां पर, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहां पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना है यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट ना करे, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की, क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहाँ पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी कहते समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज बनती है, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहां पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस में, या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो यहां से पूछ ले जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाते हैं, एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको असेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिए, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के रख ले। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहां पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है,
लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी उसको, फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहां पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहां पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा, अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल न हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में न हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहां पर और लगता है कि यहां पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहां पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है, तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहां पर हो चुका है, थोड़ा सा जाकर पॉलिटिक्स आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का आर्टिकल हो जाएगा, बेसिकली यहां पर बात करेंगे इंडिया और यूके के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहां से आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यूके देखने को मिलेगा। तो इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यूके कुछ समय पहले तक यहां पर पार्ट हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का, पर लेकिन अब यहां पर ब्रेग्जिट के बाद में ये बाहर निकल गया, और ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया ब्रेग्जिट, ठीक है। तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया और यहां पर ये हो गया, आप लोगों के सामने है यूके। यूके को लेकर कई सारे बच्चों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है, हालांकि ये बातें मैं आप लोगों को हजारों बार बता चुका हूं अगर रेगुलर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पर फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। जब शब्द यूके यूज करते हैं यूके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि कई सारे किंगडम को यूनाइट कर दिया। किंगडम कौन कौन से है, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इसी के साथ में यहां पर इंग्लैंड हो गया और यहां पर वेल्स हो गया। आप लोग ये बताइए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई थी वो कहां पर हुई थी रिसेंटली, अभी बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है। तो ये याद रखिएगा, तो अगर इंग्लैंड पूछ ले तो इंग्लैंड जो है वो एक प्रॉपर एक बेसिकली एक प्रॉपर यहां पर एक नहीं किंगडम है, एक प्रॉपर राज्य है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो वो क्या है यहां पर, और यूके पूछ ले तो तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, जब ग्रेट ब्रिटेन बुलाते हैं तो उसमें तीन आ जाते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और यहां पर इंग्लैंड, इनके नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग कर दिया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में चारों आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में तीनों आते हैं और बाकी इंग्लैंड तो एक अलग राज्य हो गया, तो तीनों में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और जब सबको मिला लेते हैं तो इसको ब्रिटिश इसलिस यानी कि ब्रिटेन के जो आइलैंड है वो बोल जाते हैं, इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी पूरा आ जाता है, ठीक है। अभी इशू ये भी था कि जब यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर से बाहर निकला यहां पर यूके, तो बोला ये भी जाता है कि अब यहां पर एक बाउंड्री बन जाएगी तो उसको कैसे टैकल करना है, तो ये भी काफी बड़ा इशू बना रहा था काफी लंबे समय तक, क्योंकि नॉर्मली जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो आवागमन आसानी से हो जाता था यहां पर आयरलैंड के अंदर में, पर लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो एक बाउंड्री खिंच जाएगी यहां पर, इसको अलग करना पड़ जाएगा, तो ये काफी बड़ा इशू भी बन गया था। चलिए तो इनकी बातें होगी, अब हम लोग अपनी बातें करते हैं। हालांकि जो राइटर है वो राइटर जो है वो उस आर्टिकल को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि राइटर जो है वो एम्बेसडर है, यानी कि वो यूके के एम्बेसडर है इंडिया में, जिनका नाम है एलिक्स, ठीक है। तो एलिक्स जो यहां पर वो हमारी कंट्री में यूके के एम्बेसडर है, तो वो तो कई सारी बातें बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का इंडिया का व्यापार कितना चल रहा है, आगे बढ़ने वाला है, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो यूके की जो करेंसी है आप लोग याद रखिएगा, जैसे हमारी करेंसी क्या है वो है रूपी, ठीक है, इसी तरीके से यूके की जो करेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी वो है पाउंड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहां पर, यूरोपियन यूनियन की जो है वो है यूरो, तो यूरो और पाउंड के बीच में कंफ्यूज आप लोग मत हो जाना, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी ऐसी कंट्री है जो कि बेसिकली यहां पर यूरो को यूज करती है, तो ये बताइए आप लोग, सारी की सारी कंट्री यूज नहीं करती है, इतना बताता हूं। तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ से जीएस पेपर 2 में आप लोगों यहां पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। तो सिलेबस के साथ में कनेक्ट करके इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कवर कर सकें। सबसे पहले यहां पर न्यूज में क्यों है, रिसेंटली अभी इंडिया और जो यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जो यहां पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो पेपर आ रहा है अभी रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में लास्ट में, वो मैंने बोला था ना कई बार एडिटोरियल में कवर हो जाते हैं डायरेक्टली, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों का कोई भी आर्टिकल छोड़ूंगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोगों को कैसा लगता है डिस्कशन वो आप लोग जरूर फीडबैक प्रोवाइड करा करो, इससे पता चलता रहता है यूट्यूब को भी कि लेक्चर कैसा है और एक सही डायरेक्शन में चीजें चलती है। और एक छोटी सी बात और, कल मैंने बोला था न्यूज़पेपर के बारे में, तो एक बच्चे के द्वारा एक कमेंट किया गया, कमेंट क्या बेसिकली बात बोलेगी कि सर आप न्यूज़पेपर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग ये बात बताओ मुझे थोड़ा सा, अगर कल को चलकर जैसे मैंने बोला मैंने प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहा हूं, ठीक है, तो बीइंग ए टीचर मुझे नहीं लगता है कि वो काम मुझे करना चाहिए जो कि गलत है। एक तरीके से चोरी कर आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराना वो गलत है, टीचर होने के नाते तो कम से कम मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों के पास में जॉब नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों के जो मम्मी पापा है पेरेंट्स है वो आप लोगों को बोल रहे हैं कभी तेरे पास जॉब नहीं है तो कोई नहीं तू चोरी करके लेके आ, ठीक है, भले कहीं से भी लेके आ तू चोरी करके ले गया, आप लोगों के मम्मी पापा बोलेंगे क्या उसको, कभी भी नहीं बोलेंगे भाई साहब,
मम्मी पापा क्या कोई भी नहीं बोलेगा आप लोग ये चोरी करके लेके आओ जब तक तुम्हारे पास में जॉब नहीं है, तो ऐसा नहीं हुआ करता यार। तो यहाँ पर ये बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों की जीएस पेपर जो 4 है ना उसमें आप लोगों की एथिक्स, आप लोगों के अंदर के जो कुछ आप लोगों का खुद का एक नहीं नेचर होना चाहिए कि हाँ ये काम गलत है तो गलत है, ठीक है, उसको नहीं करना है। ओके, तो अगर मैं ही एक टीचर होने के नाते आप लोगों को चोरी कर कर इस तरीके से बोलूंगा कि हाँ इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो यार मैं टीचर रह गया कि फिर ये बताओ आप लोग, तो वो चीजें थोड़ी समझा करो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, मैं ले रहा हूं, तो जब तक मैंने प्रोवाइड कराया जब तक मुझे पता नहीं था, जाने अनजाने में गलतियां कर रहा था, ठीक है, पर लेकिन जब पता चल गया कि ये गलत है चीज, हमारी कंट्री के हिसाब से चीजें सही नहीं है, तो फिर भी अगर वो यार वो चीजें मैं करता रहूं तो फिर यार उसका कोई मतलब बनता नहीं है, समझ रहे आप लोग। तो उसको इस तरीके से मत देखो कि मैं प्रोवाइड नहीं कराना चाह रहा हूं, मैं उसको कुछ और तरीके से देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये कि जो गलत चीज है वो गलत है तो उसको सपोर्ट करना वो मेरे बेसिकली हक में नहीं है, इसलिए मैंने उसको बोला था, ठीक है, तो उसको अदरवाइज मत लो यार, ठीक है। तो टीचर होने के नाते वो चीजें कम से कम, मतलब मैं टीचर होने के नाते तो आप लोगों को नहीं बोल सकता कि चोरी कर लो, ठीक है, तो फिर टीचर का कोई मतलब नहीं आता है और ये सही भी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके टीचर और पेरेंट्स हमेशा ही चाहते हैं बच्चों का हमेशा भला हो, तो ये सारी चीजें। और बाकी एक आर्टिकल मैं डेली आप लोगों को पढ़ने के लिए देता हूं, क्योंकि इतना एक दो आर्टिकल तो हिंदू भी फ्री प्रोवाइड कराता है आप लोगों को, तो इसलिए एक आर्टिकल मैं रेगुलर आप लोगों को देता हूं, जो कि आप लोग रेगुलर पढ़ भी सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। जब जाएंगे यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ पर रेगुलर आप लोगों को एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की मिल जाती हैं। और पीडीएफ के लिए तो आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई थी, आप लोगों ने देखा होगा कल जो बची पीडीएफ थी सारी, जो बजट की हाईलाइट थी वो भी सारी मैंने सारी चीजें कल प्रोवाइड करा दी, ठीक है। इसी के साथ में मतलब टोटल जो भी आप लोगों की बची हुई थी सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, और नोटिफिकेशन भी पूरा प्रोवाइड करा दिया सिलेबस के बारे में, जिसको नहीं पता है वो भी देख लेना यहाँ पर, इसको पूरी सिलेबस की पूरी आप लोगों की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सारा सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना जहां जहां पर भी सिलेबस इसमें दे रखा है, वो काम आप लोगों को थोड़ा सा करना है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाना, उल्टी सीधी चीजें नहीं करना, मिलकर काम करने की बात आप लोग देखते हैं। अगर बात करें दोनों कंट्री जो है वो मिलकर काम करें फ्री ट्रेड में यहां पर, इससे क्या होगा दोनों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। तो जो एग्रीमेंट है ये काफी लंबे समय से ये खस्ते हालत में चल रहा है, अब आके बोला जा रहा है कि इसको आगे लेकर चला जाएगा, क्योंकि पहले जो यूके था वो था बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पार्ट, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर तो यूरोपियन यूनियन के रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होते थे उसको, पर लेकिन अब तो यार यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, अब अपने हिसाब से यहां पर चल सकता है, तो इसलिए यहां पर ये एग्रीमेंट को लेकर आगे आ रहे हैं। तो दोनों कंट्री यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, ताकि गुड्स और सर्विस वगैरह है दोनों कंट्री में आसानी से यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके और चीजों को आगे लेकर चला जा सके, और जो भी सेंसिटिव इशू है उनको कैसे टैगल करना है दोनों कंट्री के बीच में। और इसी के साथ में यूके जो है मिलकर काम करेगा इंडिया के 2030 तक का काफी अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चलने की बात की जा रही है। बल्कि जो एम्बेसडर साहब है उनके द्वारा तो यहाँ पर ये बोला गया कि नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर तो जो व्यापार है इंडिया और यूके के बीच में वो यहाँ पर यूरो 23 बिलियन यूरो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो 2030 तक का बोल रहे हैं कि इसको आने वाले टाइम में डबल करेंगे, ठीक है। तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा दोनों मिलकर अगर काम कर पाते हैं अच्छे से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीका पैक्ट होता है जो दो देशों के बीच में या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो सकते हैं, कि अगर कुछ इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है उसमें एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध न लगाए जाए। तो ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा इस तरीके से रखा जाए ताकि कोई कोटा लगाता है, कोई टैरिफ लगाता है, कोई सब्सिडी देता है, कोई प्रोहिबिट करता है कि हाँ से सामान मैं खरीदो, यानी कि कोई भी रुकावट वगैरह दोनों देशों के व्यापार में नहीं होनी चाहिए, ये काम करने की कोशिश की जाती है। कई सारे देश क्या करते हैं अपना प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपना लेते हैं, मतलब अपने देश के अंदर यहाँ पर बेसिकली दूसरे के देश के जो व्यापार है उसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक आइसोलेशन में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया ले लो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर व्यापार नहीं करता, आप लोग देखते हैं ना के बराबर व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसलिए यहाँ पर उनको जो भी यहाँ पर इस तरीके से उल्टी सीधे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कैटेगराइज किया जाता है एज ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है, तो इसके चलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो फिर चीजों को आगे लेकर चलते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो फिर आगे चलकर यहाँ पर और अच्छे लेवल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी दोनों कंट्री के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में दोनों मिलते हुए एक दूसरे के साथ में नजर आएंगे, तो आगे आगे जो है रिलेशन वो सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इंडिया और यूके के रिलेशन तो आप लोगों को पता है, यूके ने लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया है, इसी के चलते हम लोगों को लगता है यूके की सारी चीजें अच्छी, क्यों, क्योंकि रूल करने वाले इंसान को सब हमेशा अच्छा मानते हैं कि हाँ ये तो राजा है रूल करके गया है, इसलिए सब लोग जो है इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर। एक टाइम ऐसा होता अगर हमारा देश जो है यानी कि हम जो है अंग्रेजों के ऊपर रूल कर रहे होते तो वो हिंदी बोलने की कोशिश करते, क्यों, क्योंकि हमेशा जो रूल करने वालों की लैंग्वेज फॉलो की जाती है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया और यूके जो है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दोनों कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, जनता का इलेक्टेड शासन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हिस्ट्री और कल्चर में भी एक दूसरे के साथ में काफी कनेक्ट है। इंडिया का काफी बड़ा डायस्पोरा यानी कि हमारे काफी सारे लोग जो है वो यूके में रहते हैं,
और वहीं पर ही अपना लालन पालन करते हैं और बहुत सारे तो रेमिटेंस भी अपने देश के अंदर भेजते हैं। रेमिटेंस क्या होता है, जब पैसा कमाता है कोई इंसान बाहर देश में जाकर अपने देश में जब अपने घर पर पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। यूके जो है वो हमारी कंट्री के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर देखने को मिलेगा G20 के अंदर। तो इससे हमारी कंट्री में जो आज के में आप लोग बात करें जो भी यहाँ पर आज के में इस तरीके से आप लोग देते कि एग्रीमेंट जो हम लोग साइन करते हैं तो उससे तो व्यापार बढ़ता ही है, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप लोग FDI बोलते हैं तो वे काफी लार्ज स्केल पर यूके से देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। देखिए FDI में तो ये होता है कोई आकर हमारे देश में कंपनी के अंदर अपना शेयर वगैरह खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिक्स चीजें कर रहा है। FII क्या होते हैं, ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं कि आए स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया, जब भी यहाँ पर लगा कुछ गड़बड़ हो रही है तुरंत निकाल कर लेकर रातों रात दो। इसलिए कई बार देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो धनाम नीचे पड़ जाता है आकर यहाँ पर जब भी कोई ऐसा इशू निकल कर आता है। तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पर बेसिक पता होना चाहिए तो पता चलता रहेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में सर्विसेज के मामले में भी काम करेंगे, काफी लार्ज क्रिएट किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गए, ठीक है, फुटवेयर हो गए, तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट भी आप लोगों को बूस्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आज के डेट में काफी ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। मेरीन जो प्रोडक्ट होते हैं मछली वगैरह या फिर झींगे वगैरह ये सारी चीजें तो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटीन का सोर्स माना जाता है यूके जैसी कंट्री में इनको, तो वो यहां पर इसको भी खरीदते हुए नजर आएंगे। तो 56 जो मैरीन यूनिट है इंडिया की उनको रिकॉग्नाइज की जा रही है, तो आने वाले टाइम में ये भी प्रोडक्ट बढ़ेगा यहाँ पर, और खासकर साउथ इंडिया के जो हमारे राज्य हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सर्विसेज पर भी फोकस किया जाएगा, ये तो गुड्स हो गए सामान वगैरह, सर्विसेज में हमारी कंट्री से काफी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मार्केट में हम तो IT हब है हमारी कंट्री, तो हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं, तो काफी अच्छे से कंपटीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे IT हो गया इनके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITS हो गया जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इनके वो सर्विस जहां पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, नर्सिंग एजुकेशन हेल्थ केयर आयुष ये ऑडियो विजुअल सर्विस, इनके बहुत सारी ऐसी आप लोगों को यहाँ पर सर्विस देखने को मिलेगी जो इंडिया प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। वीजा रिस्ट्रिक्शन के इशू पर बात कर सकते हैं कि वीजा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा दोनों कंट्री में देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटजिक एडवांटेज क्या देखने को मिलेगी, जो यूके है वो परमानेंट मेंबर है यूएन का, सिक्योरिटी काउंसिल का, आप लोगों को बताया ना जिनके पास में वीटो पावर होती है। अच्छा ये बताइए कौन से आर्टिकल में यूएन के वीटो पावर के बारे में मेंशन किया गया है, ये छोटे छोटे एग्जाम में जो आप लोग तैयारी करते हैं ना वहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है, वनडे टाइप में जो एग्जाम होते हैं, तो जो यूएन है यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, उसमें यूके परमानेंट मेंबर है। तो यूके हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, एक और कौन सी कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो यहां पर अगर हम लोग को पता है रशिया हमारी हेल्प करता है, कल को यूके भी अगर एक और परमानेंट मेंबर हमारी हेल्प करने लगे वहां पर तो काफी अच्छा रहेगा, खासकर हमारे सपोर्ट में काम हो जाए। यहां पर दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी चाइना और लद्दाख के इशू पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दे पर, परमानेंट सीट के मुद्दे पर यूके जो है वो हमको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो इससे दोनों कंट्री के बीच में आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बात करेंगे इंप्लॉयमेंट के बारे में। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है GS पेपर 3 के बारे में, जब इंप्लॉयमेंट और इसी के साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के बारे में बात करें। और कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था, ये आप लोगों के कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा इसको इंक्लूड करके चलूंगा, तो ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा था संडे में पढ़ा दूंगा, हालांकि आज यहाँ पर ये आर्टिकल आ गया और एडिटोरियल भी थोड़े कम थे तो मुझे लगा आज इसको इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देते हैं। अगर आप लोग ही लेक्चर मिस कर देंगे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग करना है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग ILO बोलते हो, तो यहाँ पर ये लेबर फोर्स का कैसा काम चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो बोला जा रहा है हमारी कंट्री में जो जॉब है, यानी कि इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन है, यानी कि बात करें ओवर एज 15, अगर 15 से ऊपर की एज के बारे में बात करें, वो गिरती जा रही है। यानी कि 2005 में 55% हमारी जो जॉब लोग थे वो एक तरीके से जॉब में थे यहाँ पर किसी न किसी तरीके से, 2020 में घटकर ये 43% आ गए। तो एक सोचने वाला मुद्दा है कि काफी बड़ी संख्या यहाँ पर आप लोग देखते हैं, लगभग यहाँ पर अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर 14% के करीब हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो चुकी है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। अगर बात करें यहाँ पर जो हमारी कंट्री में अभी 43% है, ये बांग्लादेश में 52% है यहाँ पर, यानी कि हमसे ज्यादा लोग जो है उनको जॉब बांग्लादेश में मिल रही है। चाइना में 63% है, हमसे ज्यादा जॉब मिल रही है, और वियतनाम में यहाँ पर 73% है। आप लोग बोलोगे इन्हीं के नाम क्यों लेंगे,
क्योंकि एशिया के अंदर ये कंट्री है और एशिया के अंदर जो कंट्री होती है उनके साथ में तो कंपेयर किया जाएगा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि दो एक जैसी कंट्री का जहां पर ऐसा ही बेसिकली यहां पर मुद्दा है, एक जैसे ही रहन सहन है, उन्हीं को तो कंपेयर करेंगे, तो ये बातें बताई गई है। स्पेसिफिकली अगर वुमेन के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि 20% इंडियन वुमेन जो है वर्कफोर्स में आप लोग को देखने को मिलेगी, जबकि अगर बात करें दूसरी कंट्रीज के अंदर में यहां पर 30-70% तक वुमेन वर्कफोर्स रहती है, यानी कि महिला जो है वो काम करती है हमारे देश में, जबकि ओनली 20% है। तो आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग में ये डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां पर CMIE यहां पर इसके द्वारा जब डेटा प्रस्तुत किया गया तो इसके चलते भी यहां पर इनके द्वारा बातें बताई गई। यहां पर देखिए क्या होता है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जब यहां पर डेटा बताती है, तो हल्का सा इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, अगर कोई ऐसा डेटा प्रस्तुत किया जाए तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसके द्वारा भी यहां पर सजेस्ट किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 1 करोड़ जॉब जो है वो दिसंबर से लेकर यहां पर 2016 से और यहां पर दिसंबर 2021 तक हम लोगों ने लॉस्ट कर दी है, यानी कि 1 करोड़ लोग जो है वो अपनी जॉब खो चुके हैं यहां पर, तो ये काफी बड़ी बात होती है। तो ये डेटा यहां पर इनके द्वारा बताया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर जॉब के बारे में बात करें तो कैसे आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों के माइंड में तुरंत आना चाहिए इनफॉर्मल होता, जैसे कि रेडी लगाने वाले, ठीक है, कोई इस तरीके से भुट्टे बेचने वाले, सड़कों पर इस तरीके से काम करने वाले, जो कि यहां पर डे बाय डे कमाते हैं और डे बाय डे खाते हैं और उसके बाद में फिर अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। अगर आज के दिन कमाई नहीं होगी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो वाली हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हमारी कंट्री में 90% के करीब जो पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स में है वो इसी एरिया में आप लोगों को नजर आएगी, तो इसलिए कई बार इसके इर्द गिर्द आप लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी भी नजर आ जाती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो काफी बड़ा आप लोगों को देखने को नॉर्मली मिल जाता है। तो अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, अगर आप लोग बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कितना है, वो सबसे बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1.8 बिलियन के करीब यहां पर, यानी कि 60% यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर आप लोगों को नजर आएगा और 40% फॉर्मल। और हमारी कंट्री के अंदर तो यहां पर ये मान किया जाता है कि 90% इनफॉर्मल सेक्टर है और 10% जो है वो फॉर्मल सेक्टर है। रीजन क्या है, मैक्सिमम लोग जो है 50% से भी ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के ऊपर टिके हुए हैं और खेती बाड़ी जो है यहां पर वो इनफॉर्मल कैटेगरी में आती है, तो इसलिए समझिएगा। फॉर्मल क्या होता है, प्रॉपर ऑफिस में जाना, एक प्रॉपर डेस्क जॉब करना, आप लोगों को सारी फैसिलिटी यहां पर मिलेगी फॉर्मल सेक्टर के अंदर जब आप लोग काम करेंगे, यानी कि आप लोगों क्या रहेगा, एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी, यानी कि आप लोग मान लीजिए सुबह 9 बजे से जा रहे हैं तो शाम को 5 बजे तक आप लोगों को जॉब करनी है, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों को रिसोर्सेज यहां पर मिलेंगे, जो भी यहां पर एक तरीके से देखा जाएगा, एक ओनरशिप रहेगी, पार्टनरशिप एक तरीके से आप लोगों की कॉर्पोरेट ओनरशिप रहेगी, प्रॉपर लार्ज स्केल पर ऑपरेशन चलेंगे, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव यहां पर इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक स्किल पर्सन होनी चाहिए यहां पर, इसी के साथ में प्रोटेक्ट किया जाएगा मार्केट के तहत भी यहां पर, ठीक है। बात करें यहां पर आप लोगों को प्रॉपर सैलरी रहेगी, यहां पर आप लोगों को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जाएगा और खासकर जो आप लोग कोई त्योहार आ गया तो उसमें आप लोगों को इंसेंटिव भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे होली दिवाली आ गई, तो ये होता है एक प्रॉपर जॉब। वरना क्या रहेगा, यहां पर कोई ऐसा है कि जो एक तरीके से सड़कों पर काम कर रहा है तो आज जो सामान बेच लिया, आज मूंगफली बेच ली तो घर में खाना बन जाएगा, अगर मूंगफली नहीं बेच पाया तो खाना नहीं बनेगा, स्किल की कोई जरूरत नहीं होती है ठेला रेडी लगाने में, हाँ फिर भी बोलने का थोड़ा पता होना चाहिए वरना कोई सामान खरीदने नहीं आएगा। अनरेगुलेटेड होता है क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो पैसा इनके द्वारा कमाया जाता है वो नॉर्मली बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं जाता है। रीजन क्या है, कई बार आप लोगों को गोल गप्पे बेचने वाले भी सड़कों पर लाखों रुपए कमाते हुए नजर आएंगे जबकि 2-3 घंटे की जॉब होती है। तो यहां पर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पैसे का कोई ऐसा नहीं है कि हम आप लोग अंदाजा लगा सके, क्योंकि कई बार कोई ऐसे होते हैं जैसे कि कोई एक ऐसी दुकान फेमस होती है जिसकी कुछ हद नहीं है और वहां पर इतना सारा कमाई होती है कि कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी ना कर पाए, तो वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर कई बार ये समझ में नहीं आता है कि इनफॉर्मल सेक्टर को लेके कैसे चलना है, तो कोशिश ये की जाती है कि इनफॉर्मल को फॉर्मल में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, उससे पता रहेगा देश के अंदर कहां पर कितना पैसा बन रहा है, जो उसको सिस्टम के थ्रू लाया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट वगैरह होगा, तो इसके चलते सारी चीजों को ट्रेस किया जा सकता है। तो नॉर्मल जो इकोनॉमी है यहां पर, जो अमीर कंट्री है वो यहां पर इसके ऊपर काफी फोकस देकर चलती है, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि चेंज अभी यहां पर देखने को मिला इनफॉर्मल सेक्टर में, अगर आप लोग बात करें, ठीक है, क्या क्या चेंज यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो 2004 से लेके 2000 जो यहां पर बेसिकली जो 4 तक का और यहां पर इसके चलते, ठीक है। तो अभी COVID-19 के चलते भी हालांकि चेंज देखने को मिला था, वो एक अलग बात है, पर फिलहाल अभी यहां पर कोई ज्यादा आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या यहां पर। तो पब्लिक जो सेक्टर है उसमें इतने लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतने लोग काम करते हैं, जो फॉर्मल हाउस होल्ड जो सेक्टर है उसमें इतने काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में बाकी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बोला ना कि 80-90% जो जनता है आप लोगों की वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हुई आप लोगों को नजर आती है आज के डेट में भी देश के अंदर, जो कि सोचने के लिए मजबूर करने वाला मुद्दा है।
यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो अबाउट 60% जो यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है यहाँ पर एक तरीके से रजिस्टर नहीं रहता, जैसे मैंने अभी बताया। तो बातें बता रखी यहाँ पर किस तरीके से आज के में जो डेवलपिंग कंट्री है उसके साथ में आप लोगों से हमारा देश है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो इनफॉर्मल लोग ज्यादा नजर आएंगे और एडवांस इकोनॉमी में फॉर्मल लोग ज्यादा नजर आएंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे के द्वारा बताया गया कि 90% के करीब इंडियन का इनफॉर्मल सेक्टर में आप लोगों को लोग नजर आएंगे। तो इसको आगे चलकर फॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है। तो अभी ये था कि जैसे COVID-19 के चलते भी यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिली, तो बहुत सारे लोग जो है अभी यहाँ पर ये बोला जाता है कि फॉर्मलाइज हो गए। देखिए हुआ क्या, इनफॉर्मल वाले जो शाम को रेडी लगाने वाले थे, ठेले लगाने वाले थे, उनके कईयों के काम बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर ये बोला गया कि SBI की एक रिपोर्ट के द्वारा कि फॉर्मलाइजेशन हो गया। तो फॉर्मलाइजेशन नहीं होता यार ये, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नहीं हम लोग देख सकते। तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप लोग समझ सकते हैं और कोई कंफ्यूजन हो तो उनको आप लोग दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, अब यहां पर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक एक जो पॉइंट है यहां पर उसको समझते हैं डिटेल में, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। हालांकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से ही है यहां पर, ये क्योंकि डिटेल में बातें करूंगा प्रीलिम्स या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल बात की जा रही है क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल लॉ के बारे में और खासकर इसमें भी मैरिटल रेप के बारे में। यानी कि जब यहां पर इंसान की शादी हो जाती है तो उसके बाद में शादी के बाद में कैसे ट्रीट करना चाहिए एक महिला को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है GS पेपर 1 के अंदर में भी। इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ द वुमेन और इश्यू रिलेटेड टू वुमेन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इवन क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए यहां पर दिया जा सकता है। जैसे कि बात की जा रही है नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप इन इंडिया इज ए ड्रेडफुल स्लर ऑन द डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट ऑफ द वुमेन, ठीक है। यानी कि भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण यहां पर महिलाओं की गरिमा और मानव अधिकारों पर एक भयानक कलंक की तरीके से यहां पर देखा जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि इसके ऊपर आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं, क्वेश्चन की तरीके से भी आप लोग इसको ले सकते हैं। मतलब क्या है यहां पर मैरिटल रेप का मतलब क्या है, जब एक हस्बैंड और जो वाइफ है, मान लीजिए शादी होगी, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ बन गए, फिर यहां पर ये रहता है कि अगर दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है तो अगर यहां पर किसी भी तरीके से हो, चाहे जोर जबरदस्ती हो दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ में, पर लेकिन उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो ये एक गलत तरीके से यहां पर देखा जाता है कि इसको रेप नहीं माना जाएगा। तो इसको यहां पर बोले हमारी कंट्री में इसको रेप मानना चाहिए, कई सारे देश ऐसे हैं जो इसको रेप माना चाहिए। आप लोग क्या मानने हैं इसमें, यस या फिर नो, आप लोग अपनी बात बता सकते हैं। अब मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुद्दा यहां पर यह कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अभी यहां पर यह केस पहुंचा था, इसके चलते यहां पर जो बेसिकली बात की गई कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, तो इसके चलते पिटीशन जो है उसके पास में पहुंची। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि भाई साहब आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच लेकर आप लोगों को चलनी है कि क्रिमिनलाइजेशन करना तो वुमेन के हाथ में एक पावर आ जाएगी। अभी हमारी कंट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट जो यहां पर मुद्दा है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। हमारा इंडियन पिनल कोड जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं उसका सेक्शन जो है वो 375 है, यानी कि 375वां जो रेप के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है अगर कोई लड़की जो है उसकी एज जो है वो 15 साल से अगर नीचे है और उसकी शादी हो गई है तो तब हस्बैंड यहां पर कुछ करता है, तो यहां पर एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो उसको रेप माना जाएगा। पर लेकिन अगर 15 साल से ऊपर एज है तो फिर इसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो इसी के ऊपर यहां पर बवाल चल रहे हैं, तो इसको यहां पर बेसिकली क्रिमिनल की कैटेगरी में यहां पर लेकर आना चाहिए। मैरिटल जो रेप है यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से इसके तहत यहां पर जो यहां पर कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारी एक पैट्रियरिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो यहां पर पुरुष की जबरदस्ती नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाती है महिलाओं के ऊपर। तो इसके चलते यहां पर ये मानते हैं कि ये हमको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हस्बैंड जो है यहां पर नॉर्मली उसको गिल्टी नहीं मान सकते रेप के मामले में, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर उसको इस तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया तो ये मानते हैं कि ये सोसाइटी पर एक जो वैवाहिक रिलेशन होता है उस पर काफी गलत इंपैक्ट डालेगा। हालांकि कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहां पर इसको रेप की कैटेगरी में मान सकी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी जिसके द्वारा कॉमन लॉ लाया गया कंट्री के अंदर रिफॉर्म कर 1976 में, कि कोई ऐसी हरकतें करेगा अगर हस्बैंड जो है वाइफ के साथ में जबरदस्ती करेगा तो उसको रेप माना जाएगा। स्कैंडिनेवियन कई सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी ऐसी हैं जो कि इसको क्रिमिनल कैटेगरी में मानती है। तो लीगल प्रोविजन क्या है मैरिटल रेप के बारे में, तो मैंने अभी बताया यहां पर जो आप लोगों को डिटेल में कि सेक्शन 375 यहां पर इंडियन पिनल कोड का वो बात करता है मैरिटल रेप एक्सपेंशन के बारे में, ओनली 15 साल से नीचे की अगर एज है लड़की की, यानी कि वाइफ की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। पर लेकिन यहां पर ये बात है कि मैरिटल रेप जो है वो यहां पर एक्सेप्शन यहां पर क्या है कि अगेंस्ट है वुमेन के बेसिक राइट के, यानी कि महिलाओं को यहां पर एक तरीके से उनकी खुद की अधिकार, खुद की बॉडी है, उनका खुद की लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो वो इनको ही नहीं मिल पाता है। तो इसी के चलते आप लोग याद रखेगा
अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 21 के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी यहां पर बोली जाती है। तो डिग्निटी कब देखने को मिलेगी, जब हम लोग यहां पर ये सेक्शन 75 जो है 375 उसको प्रॉपर वे में यूज करेंगे, वरना ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिग्निटी को यूज नहीं करने दे रहे, इनकी आर्टिकल 21 के खिलाफ में जाकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि महिलाओं के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इसी के साथ में राइट टू इक्वलिटी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो उसमें भी यहां पर जो सेक्शन 375 जो है वो यहां पर डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है। जो लड़कियां हैं खासकर जिनकी शादी हो रखी है 15 साल से नीचे की और 15 साल से ऊपर की है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन है, तो इक्वालिटी भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये गलत मुद्दा है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो महिलाओं के बेसिक राइट का भी यहां पर हनन हो रहा है, तो ये बातें बोली जाती है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट तो देखिए यार ये बोलती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, कल को चलकर यहां पर बहुत सारे इशू निकल कर आएंगे। और किसको पता चल रहा है किसी के बेडरूम में जाकर कि फिजिकल रिलेशन जो बनाया गया था वो एक नॉर्मल फिजिकल रिलेशन था या फिर वो जोर जबरदस्ती वाली थी, कोई जाकर चेक तो कर नहीं सकता, इसके लिए कोई पैरामीटर कोई मशीन तो है नहीं, तो इसके चलते ये इशू आगे देखने को मिल सकते हैं। तो मिसयूज हो सकता है लीगल प्रोविजन जो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सेक्शन 498A हरासमेंट जो होता है मैरिज के अंदर में उसके बारे में बात करें तो ये काफी खतरनाक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए वुमेन की, और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करें तो उसके चलते इनका मिसयूज होता है, नॉर्मली कई बार मिसयूज होता हुआ पाया जाता है। ऐसे यहां पर क्या किया जा सकता है, हस्बैंड को यहां पर टॉर्चर भी किया जा सकता है, यहां पर कल को चलकर हस्बैंड को भी हरास किया जा सकता है काफी लार्ज स्केल पर, अगर यहां पर कोई भी वुमेन जो है यहां पर अगर एक तरीके से कि ऐसा नहीं है कि देखिए दोनों तरीके से आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं, कई सारे जो कई सारे लड़के या फिर कई सारे जो एक तरीके से पुरुष होते हैं बदतमीज होते हैं, पर लेकिन कई सारे लड़के या फिर महिला भी आप लोगों को बदतमीजी करती हुई नजर आएंगी खासकर आज की सोसाइटी में देखें। तो दोनों एक तरीके से देखकर बैलेंस ऐसे लेकर चलना चाहिए ताकि जो कानून है उसका सही भी इस्तेमाल किया जा सके और उसका मिसयूज भी ना हो। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं दहेज के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बात करते हैं कि दहेज जो है वो काफी ज्यादा सोसाइटी में बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है कि दहेज दिया जाता है दहेज लिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर इसका दूसरा पहलू भी आप लोग देखें जो कि नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, अगर किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है ठीक है तो क्या देखेगा, लड़का बेसिकली कैसा है, ठीक है ठीक है देख लिया, गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट जॉब है फिर खेती कर रहे हैं तो देखेगा, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो ही शादी करनी है, ठीक है ये भी देखते हैं यहां तक कि लड़के के बेसिकली बहन की शादी हो चुकी है क्या, अगर बहन की शादी हो चुकी है तो हमारी बेटी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक भी देखते हैं कि मां बाप है क्या, अगर मां बाप टुलक चुके हैं और लड़का जॉब कर रहा है अकेला रहता है और बढ़िया, ऐसी ऐसी हरकतें सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलती है, ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, यानी कि नॉर्मली अगर बात करें कमियां दोनों ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही हाथ से ताली बजाई जाती है। तो आज के डेट में देखो कि अगर कोई खेती कर रहा है वो अपने आप कमा नहीं रहा है क्या, वो भी इंसान कमा रहा है पर उसकी शादी के लाले पड़ जाते हैं कई बार, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए और गवर्नमेंट जॉब वाला होगा फिर वो क्या करेगा, उसको बड़ी गाड़ी देंगे, चाहे अपनी जमीन बेचकर क्यों ना देनी पड़ जाए पर गवर्नमेंट जॉब वाले की शादी करनी है। पर लेकिन यहां पर बाप की भी कोई गलती नहीं है, वो चाहता है कि बेटी जो है वो सही घर में जाए, पर लेकिन पैरामीटर तो है नहीं सही चेक करने का, जिसके गाड़ी दी और जिसको दुनियादारी दी उसकी क्या गारंटी है वो सही रखेगा कल को। तो सोसाइटी में अगर कोई एक तरीके कोई गलत चीज है ना तो दोनों हाथों से ताली बजती है, कभी ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। आप लोग की क्या राय है, मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, किसी को बुरा लगा हो, पर लेकिन आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया बेसिकली जो सोसाइटी में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जो यूएन है यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है वो बोलता है कि 15 से लेके 49 के बीच में अगर बात करें तो यहां पर लगभग 2/3 जो वुमेन है यहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पीटा जाता है उनको गलती से, उनकी जबरदस्ती की जाती है सेक्स के लिए, ये सारी चीजें यहां पर यूएन बोलता है, ठीक है। हर 5 में से यहां पर एक जो है बेसिकली मैन जो है वो फोर्स करता है अपनी वाइफ को फिजिकल रिलेशन के लिए, ये इंटरनेशनल मेंस के द्वारा यहां पर जो बेसिकली इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्विटी सर्वे कराया गया उसमें ये बातें बोलेगी। अगर बात करें 104 कंट्री ऐसी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पर क्रिमिनलाइज किया जा चुका है यहां पर ये बेसिकली मैरिटल रेप को, हमारे देश से भी होना चाहिए ये बात बोली जा रही है। इंडिया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान चाइना इस कैटेगरी में भी नहीं आए हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर भी आप लोग यहां पर दे सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और बाकी होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं, इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, छोटा सा है पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है बर्ड्स के बारे में। तो बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है वेटलैंड डे के बारे में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी सेलिब्रेट किया गया 2 फरवरी को, तो उसी के चलते यहां पर फ्लेमिंगो जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो ये यहां पर दिखाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर वेटलैंड के अंदर में, तो मानिए इसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है समझते हैं। इंपोर्टेंट डे मैंने डिस्कस किया था तो 2 फरवरी को आप लोगों को ये डे देखने को मिलते हैं। यहां पर एक कन्वेंशन साइन किया गया वेटलैंड इनकी झील वगैरह लेक वगैरह जो है उनको प्रोटेक्ट करना है,
तो उसके चलते वेटलैंड आप लोग के सामने निकल कर आया। तो यहां पर बेसिकली ये कन्वेंशन था, यहां पर जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो 2 फरवरी 1971 में ये वेटलैंड कन्वेंशन देखने को मिला था। कहां पर? ये है रामसर। और रामसर कहां पर है? वो है ईरान के अंदर में। तो ईरान के अंदर जो रामसर है वहां पर ये कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिला था। तो पहली बार यहां पर ये बेसिकली सेलिब्रेट किया गया डे 1997 में, पर लेकिन इंप्लीमेंट किया गया था यहां पर 2 फरवरी 1971 में। तो इसलिए 2 फरवरी को ही इंपोर्टेंट डे मान लिया ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके इन सब चीजों के बारे में। तो थीम क्या है यहां पर? वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर। ये थीम है जो कि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर पाएंगे। एमजी नरेगा जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या होती है, कहां पर आप लोग पेपर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एमजी नरेगा के तहत जो पैसा दिया जाता है उसमें कुछ कटौती भी की गई और बोला जा रहा है अभी यहां पर 3,358 करोड़ रुपए नरेगा के अंदर वेज जो है वो नोट पेड, यानी कि अब तक पेड नहीं किया गया, वो अभी खस्ता हालत में पड़े हुए हैं। तो उसके चलते ये इशू निकल कर आते हैं। तो जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के तहत आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं एमजी नरेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, अगर बात करें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऐसा प्रोग्राम है जो कि यहां पर लोगों को जॉब का हक देता है, अधिकार देता है। याद रखिएगा यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है राइट टू वर्क के बारे में। तो राइट टू वर्क यहां पर प्रोवाइड कराता है, यानी कि यहां पर आर्टिकल 21 के तहत यहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर आप लोग बात करते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 है ना, राइट टू जो यहां पर लाइफ विद डिग्निटी, तो ये आर्टिकल राइट टू डिग्निटी है। यहां पर एक तरीके से इंसान को जब काम मिलेगा तभी तो डिग्निटी होगी, वरना बेइज्जती करते हैं कि अब तक जॉब भी नहीं मिली, क्या कर रहा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो यहां पर ये इसके अंदर आता है, कहां पर? फंडामेंटल राइट, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत। इसी के साथ में यहां पर ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट टू वर्क इनके लोगों को जॉब प्रोवाइड कराए। पहली बार यहां पर प्रपोज किया गया 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, और एमजी नरेगा जो इंप्लीमेंट किया जाता है, ग्राम पंचायत को पावर दी जाती है, आप लोग जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं, अगर टाइम पर काम नहीं मिला तो आप लोग यहां पर भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो काम प्रोवाइड करें। नॉर्मली 100 दिन है, पर लेकिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, कई सारे राज्य के अंदर अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोला गया था, पर आगे चलकर एमजी यानी कि महात्मा गांधी जी का नाम इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये राइट टू वर्क का सबसे ज्यादा प्रोग्राम यहां पर देखने को मिलेगा। बात की जा रही है मिशन क्या रहता है कि एम यहां पर इनहेंस करने के लिए लाइवलीहुड, तो लोगों को व्यापार मिल सके, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लेगर वर्क और ये, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नॉर्मली अगर रहता है तो फिर आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेज के बारे में बातें की जाती है, तो वेज किसके हिसाब से दी जाती है, तो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का, जो कि यहां पर अब कोड आए 2019 में, कोड ऑफ द वेजेस, उसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया। तो एपीएफसी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। डिमांड ड्रिवन है, अगर आप लोग जाएंगे अपना नाम लिखाएंगे 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें, ये पॉवर्टी को दूर करता है, भुखमरी को मिटाता है, हेल्थ के बारे में बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन यहां पर, जेंडर इक्वलिटी डी, इसी के साथ में डिसेंट वर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन के बारे में और रिक्वायर्ड इनइक्वलिटीज के बारे में, रिड्यूस इनइक्वलिटीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लगभग 8 गोल यहां पर फुलफिल करता हुआ नजर आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसकी, जो कि आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक है ये, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था यहां पर कहां कहां पर क्या क्या कमी चल रही है, तो फंड का क्रंच देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर वे में फंड देखने को नहीं मिल रहा है, तो फंड की कमी है, ये यहां पर इस पर्टिकुलर मैप में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी यहां पर बेसिक चीजें, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, राम टेम्पल जो है उसको और अच्छे लेवल पर बनाया जाएगा अगर अखिलेश साहब आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, ये ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। डाला इसलिए गया, मैंने कहा आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, मंदिर मस्जिद ये सारी चीजें कौन क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट मत किया करो इनके पीछे यार, प्रोडक्टिव है, टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो लगभग बोला गया 1213 करोड़ रुपए अभी जनवरी के महीने में बेचे गए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचे गए, पर लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी या फिर सिटीजन इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकता है कहां से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, और ये फ्री इंटरेस्ट है, आप लोग इसे पैसा दे देंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और जिसके पास में चला जाएगा पेएबल टू द बियरर ऑन द डिमांड, उसी का ये हो जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 2018 में स्टार्ट किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, लाएगी 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ तक के आप लोग खरीद सकते हैं। तो इसके चलते केवाईसी आप लोग की अगर बैंक में है, नो योर कस्टमर बोलते हैं इसको, जो कि आप लोगों को कंप्लीट करनी होती है,
तो ये 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। ये आप लोग अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के स्टार्टिंग के जो 10 डेज होते हैं महीने के, उसमें आप लोग खरीद सकते हैं। पर लेकिन सब नहीं खरीद सकते, सबको सबको नहीं दे सकते आप लोग। तो सेक्शन 29 ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का ये यहां पर इंप्लीमेंट होता है। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग दे पाएंगे जो कि रजिस्टर है। और एक तरीके से मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन जो है उसमें 1% वोट जिनको मिली है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर कई सारी अभी इश्यू निकल कर आ रहे हैं। जो यहां पर जेएनके का कमीशन है, ठीक है, वो अनदर एक्सटेंशन उसको मिलेगा यहां पर आने वाले टाइम में, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो चलिए जो एक डे बाय डे की न्यूज होती है, पर लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और एग्जाम में भी आप लोग उसका आंसर दे सके, तो जीएस पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली यहां पर एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया गया कि हम लोग ये बताएं किस एरिया में कितने लोग आते हैं और उस एरिया में जितने लोग आते हैं उनको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए उस एरिया में। और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधायक है और जो सांसद है उसके हिस्से में यहां पर कौन आता है, बेसिकली यहां पर कितनी पॉपुलेशन आती है। तो अभी ये पूरा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैप पहले ऐसा कुछ हुआ करता था, फिर आगे चलकर आप लोग को देखने को मिला डिवीजन हो गए, ये वाला रीजन जो है पाकिस्तान के अंदर में चला गया गिलगित बल्तिस्तान वाला, और यहां पर ये वाला रीजन भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ यहां पर कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चाइना के कंट्रोल में यहां पर आप लोगों को नजर आएगा, पर लेकिन जो अभी नया मैप है, लेटेस्ट मैप है, उसमें कुछ ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा रीजन बना दिया लद्दाख का। तो इसे कोई पूछे अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ में कौन टच करता है, तो याद रखना हमेशा लद्दाख टच करता है, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो गया जो कि अलग से एक पोर्शन बना दिया। तो अभी यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में। तो उसके लिए यहां पर याद रखेगा यहां पर रंजन जो प्रकाश देसाई इनकी अध्यक्षता में यहां पर ये कमीशन बनाया गया जिन्होंने अभी बताया कि कैसे कैसे आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर चल सकते हैं। तो ये तो देखिए नॉर्मली आप लोगों से कोई पूछेगा कितनी सीट किसको दी जा रही है, ये लोकल इश्यूज होते हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। पर हाँ आप लोगों को फिर भी बता देता हूं यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कि इनके द्वारा भी चीजें प्रपोज की गई कि 6 सीट फॉर द यहां पर जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के लिए बढ़ा दी गई, इनके द्वारा एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। इसी के साथ में यहां पर 1 सीट जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए यहां पर, इनके जम्मू और कश्मीर अलग अलग है ना, तो जम्मू के लिए यहां पर 6 और कश्मीर के लिए 1 सीट बढ़ा दी गई है। इसी के साथ में जो रिजर्व सीट है 16 वो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इसके चलते, पर लेकिन यहां पर जो अपोजिशन के लीडर उनको ये लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है तो वो हमेशा इसका अपोज करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो कमीशन था ये हेड किया गया यहां पर जो मैंने बताया अभी रंजन जो यहां पर याद रखे रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा, ठीक है। तो आरपीडी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 5 जो बेसिकली एसोसिएट मेंबर थे इंक्लूडिंग यहां पर पार्लियामेंट जो मेंबर थे बीजेपी के, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ये यहां पर देखना, पर इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखना। अब मैं आप लोगों से जो बातें करूंगा वो करूंगा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। यहां पर ये क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं लिमिट बोल सकते हैं या फिर बाउंड्री किसी पर्टिकुलर टेरिटरी की, एक एरिया की, अच्छा ये वाले एरिया में से ये लोग आएंगे और ये वोट डाल पाएंगे। तो उसका काम यहां पर किया जाता है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहां पर हर एक पॉपुलेशन के लिए कि हाँ जो भी यहां पर इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनके द्वारा चुना गया और यहां पर उन्हीं के द्वारा वोट दिए गए और इतना ही पावर यहां पर हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में। ऐसा नहीं कि एक मेंबर पार्लियामेंट ताकतवर है दूसरा कमजोर है, ठीक है। तो फेयर डिवीजन होना चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया का और हर एक 1 वोट 1 वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मेरी वोट की वैल्यू जो है वो आधी है और आप लोगों की वोट की वैल्यू जो है वो फुल है, ऐसा थोड़ी ना है। हर एक इंसान की वोट की वैल्यू जो आप लोगों को इक्वल नजर आएगी, तो इसलिए ये जरूरी है कि उसको उसी तरीके से लेकर चला जाए। अगर इसके बारे में बात करें तो अंडर आर्टिकल 82 यानी कि 82वां जो आर्टिकल है संविधान के अंदर में वो डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करता है। और ये कहां से निकल कर आता है, जनगणना से यानी कि सेंसस से, यानी कि जब लेटेस्ट जो भी सेंसस होगा जनगणना होगी उसके बाद में आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन लेकर आओगे। यानी कि जब जनगणना होगी तो जनता की संख्या बढ़ गई देश के अंदर में, जब जनता की संख्या बढ़ गई तो पता होना चाहिए कि संख्या बढ़ गई तो उसको कैसे टैकल करना है, उनके हिस्से में कितने कितने यहां पर लोग आने चाहिए, तो फिर उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन यहां पर पूछे, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप लोगों से बातें होगी। तो आर्टिकल 170 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि यहां पर डिवाइडेड करता है टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है। तो यहां तो 82 ये बोलता है कि सेंसस के बाद में होना चाहिए और 170 ये बोलता है कि यहां पर डिवाइड करना है टेरिटरीज को। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, पर यहां पर जो एक्साइज कैरी की जाती है प्रेसिडेंट के नाम पर, तो प्रेसिडेंट करते हैं पर बनाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर इसमें हेल्प करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें इसके साथ मिलकर ये एक्साइज की जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था 1952 में, इसके बाद में ये कई बार आया 1952, 1963, 1973 और 2002 में, और इसी के बेस पर एक्ट बने 1952, 1962, 1972 और 2002 में इसके बेस पर एक्ट भी बने, यानी कि अलग अलग टाइम पर ये लाया गया और इसके ऊपर एक्ट भी बनाए गए। डिलिमिटेशन कमीशन जो आप लोग बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के द्वारा
अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर पार्ट रहता है जैसा मैंने बताया। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे जहां पर ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है, तो वहां पर भी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो फंक्शन क्या रहते हैं इनके कि किस तरीके से नंबर ऑफ बाउंड्रीज वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह आप लोगों को डिवाइड करनी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, उनको कितनी सीट आप लोगों को देनी है, इसी के साथ में केस द डिफरेंट ओपिनियन अगर किसी भी कमीशन का जो यहां पर रहता है मेजोरिटी के बारे में, तो यहां पर कुछ डिफरेंस आता है इनमें जो यहां पर अगर तो उसको जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक बॉडी है यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर एक तरीके से इसके अंदर बात करें तो बात की जा रही है कि कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बिफोर कोर्ट, ये जो भी काम करेगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा कोर्ट के अंदर में, ये बातें भी यहां पर इसके अंदर बोली गई है। तो ये इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल था, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सुल्तानपुर के बारे में, तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वहां पर बेसिकली टूरिज्म को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर इसके बारे में याद रखिए, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके आसपास वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कल्चर को दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो रूरल लाइफ है उसको दिखाया जा सके, तो एक टूरिज्म को बढ़ाने की बात की जा रही है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि एवरी ईयर लगभग 50,000 के करीब जो बर्ड्स हैं यहाँ पर और 1,000 के करीब जो स्पेसिस हैं यहाँ पर सुल्तानपुर जो सेंचुरी में पहुंचती हैं, तो बर्ड वॉचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो पक्षी यहाँ देखना पसंद करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंडिया जो है वो आइसोलेट हो रहा है ऐसा बोला गया राहुल गांधी जी के द्वारा, यानी कि चाइना जो है पाकिस्तान के पास से पहुंच गया, इंडिया के द्वारा जो जो यहाँ पर स्टेप उठाए गए उनके चलते ये कमेंट किया गया, तो इसके चलते यहाँ पर ये ट्रेंड भी कर रहे थे, कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो इग्नोर कर सकते हो। हमारी कंट्री में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनकी संख्या जो है खाली पड़ी है कई जगह, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एफर्ट है, खासकर अगर बात करें तो हाई कोर्ट में कम से कम जो वैकेंसी उनको फिल किया जाए, ठीक है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तो अभी फिल कर दी गई थी ना, ठीक है, तो यहां पर समझ सकते हैं, तो कोलिजन सिस्टम जो है वो यहां पर काम कर रहा है ताकि हाई कोर्ट में वैकेंसी को फिल किया जा सके। मैंने बताया भी था कितनी कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है, तो बोला जा रहा है यहां पर अगर बात करें आज की डेट में यहां पर अगर बात करें जो जुडिशियल वैकेंसी है 25 हाईकोर्ट के अंदर 441 के करीब खाली पड़ी है, जबकि टोटल जजेज की संख्या कितनी होती है याद रखिएगा, टोटल 25 हाईकोर्ट में यहां पर 198 जजेज हैं और उनमें से आप लोगों को यहां पर कई सारी खाली पोस्ट मिल जाएंगी, जिसे बोला गया कि लगभग 400 मतलब बोला गया लगभग 411 सॉरी ठीक है 411 करीब वैकेंसी खाली पड़ी है। तो कोलेजियम सिस्टम काम करता है, मैंने कल परसों में ही कोलेजियम सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था। बताइए यहां पर कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है और कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है, ये आप लोगों को बता रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा गालवान वैली के अंदर में जो झड़प हुई थी, तो एक पर्टिकुलर बदतमीजी देखने को मिली थी चाइना की साइड से और हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे, हालांकि चाइना की साइड से भी लोगों की जान गई थी। तो यहां पर उसमें जो जवान थे उसको टोर्च बीरर बनाया गया है, ठीक है, इसका नाम है क्वी फाबो, ठीक है। तो ये यहां पर ये जो अभी विंटर ओलंपिक हो रहे हैं चाइना के अंदर, तो उसके चलते देखने को मिलेगा। तो ये विंटर ओलंपिक जो है ये कल से स्टार्ट हो रहे हैं इनके 4 तारीख से, ठीक है। यूएस जो नेटो है वो बेसिकली बोल रहे हैं यूएस नेटो ऑफर कर रहे हैं कि रशिया जो है वो ट्रस्ट बनाकर चले, क्योंकि यूक्रेन के इशू पर यहां पर ट्रस्ट नहीं रह गया है रशिया को, तो उसके चलते ट्रस्ट की बात की जा रही है, तो देखते हैं कितना ट्रस्ट यहां पर कर पाते हैं। तो जो यूएस जो रशिया है वो काफी एक तरीके से अलग तरीके से चीजों को देख रहा है, क्योंकि नेटो का जो एरिया है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रशिया को एक खतरा लग रहा है। यूएसए ने अपनी जो मिलिट्री सेंड की है एड सपोर्ट यहां पर यूएई को, क्यों? क्योंकि हुतई कम्युनिटी के ऊपर जो अटैक किया गया था तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिली। हुतई कम्युनिटी यमन के अंदर वो कम्युनिटी है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में रहता है, और ईरान सपोर्ट करता है तो यहां पर जो यूएसए के अपोजिट में हो गई चीजें तो वो यूएई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फिर से कभी एडिटोरियल आएगा फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक्सिम बैंक क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, ठीक है। तो याद रखना श्रीलंका को यहां पर 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट देने की अभी बात की गई, तो ये एक इंपोर्टेंट मुद्दा बन सकता है। एक्सिम बैंक के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये इसके मुद्दे पर काम करते हैं। आज का जो सुडोकू है इसको जाकर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ये प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है, एसएलवी पीडीएफ चैनल पर, और पीडीएफ स्टडी लवर वीर से और वीर तारायण पर जाकर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो 3 टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी रोहित के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, काफी डिटेल में इनके द्वारा बताए गए, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, अटेम्प्ट भी कई सारे बच्चों के द्वारा किए गए। तो यहाँ पर मैक्सिमम वही क्वेश्चन थे जो मैंने बजट में आप लोगों को पढ़ाए थे, पूरा बजट था ना, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, तो यहाँ पर जो इसका आंसर था, इसका आंसर था बी, ठीक है। तो डिटेल में बताया यहाँ पर ये बेसिकली बर्लिन यानी कि जर्मनी के अंदर बनाई गई थी 1993 में, तो यहाँ पर ये जनेवा बेस नहीं है, तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एनजीटी के बारे में बात की थी, तो इसका आंसर था यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। एनजीटी मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। आर्टिकल 21 आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, और ये एक्ट है जहां से ये अपनी पावर लेते हैं। वोकैबुलरी पूछी थी यहाँ पर बजट के बारे में, बेसिकली यहाँ पर बजट, ठीक है,
तो यहां पर इसको हटाना बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो इनके ऊपर, ठीक है। तो बज आप लोग इसको बोल सकते हैं हटाना एक तरीके से, ठीक है, स्लाइटली मूव करना, चेंज करना, ऐसा बोल सकते हैं। डेलिब्रेशन होता है विवेचना, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से केयरफुल कंसिडरेशन या डिस्कस करना, कई बार ना चीजें बोलते हैं आप लोग इस तरीके से कि हाँ डेलिब्रेटली काम कर रहे हैं, ओके। आगे बात करते हैं यहां पर रिड्रेस, नाउ एक तरीके से चीजों को फिर से एक तरीके से एक रिमेडी, एक तरीके से चीजों को फिर से लेकर चलना, ठीक है। एक तरीके से एक बात करते हैं अनफेयर सिचुएशन, कई सारी ऐसे खराब हो गई है, फिर से चीजों को सुधारते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लिंगरिंग, यानी कि एक तरीके से सुस्त रहना, ठीक है, लॉन्ग समय तक यहां पर चीजें ज्यादा जो हलचल ना मचना, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। पैकअप होता है यहां पर पुनर्जीवित करना, यानी कि फिर से चीजों को इंटरेस्टिंग वे में, एक्साइटिंग वे में स्टार्ट करना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो जो भी कंफ्यूजन है बताएगा जरूर, और बजट की वीडियो जरूर देखेगा, उसमें डिटेल में कई सारी चीजें डिस्कस किए हैं, और भी यहां पर जो भी प्रॉपर वीडियो आ रही है उनको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। सारी पीडीएफ इकट्ठी टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लेक्चर का फीडबैक जरूर देना, लेक्चर कैसा लगता है लाइक कर बता सकते हैं, या फिर कमेंट कर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।